सबसे पहले तो मैं लेकर आई हूँ ये राजमा। मैंने कहा था ना घर का ही सामान है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब जो बिल्कुल ही अलग हो, कुछ नहीं। ये राजमा है, पर राजमा जो है ये है 180 रुपीज़ के। ये ना छोटे वाले राजमा है, जिसको जम्मू के राजमा कहते हैं, छोटे छोटे वाले, है ना। और ये जो है ना, ये इसका रेट है MRP 180 है, पर हमें मिले 130 में। और पर एक बार है, एक बात तो मेरे को पता लगी, ये बताती हूँ आपको क्या। हेलो व्यूअर्स, आज है 17 तारीख और इस समय बज रहे हैं सब मेरे ख्याल से 10:30 हो रहे होंगे। और आज मैं दिखाने जा रही हूँ आपको सामान। और ये सामान जो है, ये 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। घर का ही सामान है, जो घर का ही राशन पानी होता है वही समझो, पर ये 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इसको 3 में क्यों किया गया वो बताती हूँ। पहला ये है कि मैं गई थी महावीर के लिए, वहाँ पे घर के पास था राज मंदिर, तो मैंने और कनिका ने वहाँ से कुछ सामान खरीदा था। पहले तो मैं वो ही आपको दिखा देती हूँ। उसके बाद इसके पापा ने भी राज मंदिर से ही सामान खरीदा था, वो किसी दूसरे राज मंदिर से खरीदा था, मतलब जो घर के नज़दीक, हमारे इस घर के नज़दीक पड़ता है। और तीसरा जो है, इसके पापा ऑफिस गए थे, डिस्पेंसरी उसके पास पड़ता है कोटला, वहाँ से भी वो सामान लाए थे। ये सामान है 3 कैटेगरी में, ठीक है। तो पहले मैं सोच रही हूँ पहले मैं क्या लेकर आई हूँ, पहले मैं वो दिखाती हूँ आपको। तो चलो शुरू। तो पता क्या लगा मुझे, बहुत टाइम के बाद मैं खुद उसके साथ कनिका के साथ गई थी शॉपिंग करने, मतलब वो राज मंदिर में। तो वहाँ जाके जो चीज़ों के रेट थे इतने ज़्यादा थे कि मुझे पता लगा कि महंगाई कितनी बढ़ गई है। क्योंकि जब से वो कोरोना काल स्टार्ट हुआ था, तो मैं कोई खास, मेरे को लगता है, शॉपिंग के लिए गई नहीं मैं, ठीक है। इस बार बस गई तो मैं, वो भी मैं नहीं जा रही थी। मैंने साथी को, कनिका को बोला आप ही जाके ले आ, 4-5 चीज़ें ही तो लानी है, 4 चीज़ें ही लानी थी मेरे ख्याल। तो मैंने बोला खुद ही जाके ले आ, पर वो मुझे कहती नहीं आप भी चलो। अब हम दोनों गए तो सामान कितने का लाए, 1200-2200 रुपये का सामान था लाए। 4 चीज़ें लानती, देख लो कितने ले आए। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया राजमा, आपको दिखा दिए, आगे बढ़ो। कोई चीज़ है ना ऑफ की थी, इसलिए हम राज मंदिर गए थे कि अखबार में आया था, न्यूज़पेपर में ऐड आई थी, उसमें ऑफ था। तो 4-5 चीज़ें ऐसी थी ऑफ की, जो इसके पापा को राज मंदिर से नहीं मिली थी। तो वो मुझे कह रहे थे कि तुम वहाँ गए हुए हो अपनी मम्मी के उधर, तो वहाँ से सामने राज मंदिर है, 4-5 चीज़ें जो ऑफ वाली हैं वो ख़त्म हो गई हैं दूसरे राज मंदिर में, आप तुम वहाँ से जाके ले आओ। और जब हम लेने गए तो सारी चीज़ें ही ख़त्म हो गई थी जो ऑफ वाली थी, और हमें बस एक ही चीज़ ऑफ वाली मिली, वो भी बताती हूँ। हाँ तो हेलो व्यूअर्स, ये जो है ना पास्ता, ये एक मेरे को चीज़ मिली थी जो ऑफ वाली थी, जिसमें मतलब कि स्कीम थी, बाकी सारी। एक मेरे को ना वो लेना था बटर, अमूल बटर लेना था, अमूल बटर आधा किलो के साथ 2 ग्लास फ्री थे प्लास्टिक के, वो भी वहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है। और एक मेरे को सोया चिप्स लेने थे, जिसमें एक के साथ मेरे ख्याल एक फ्री था, वो भी वहाँ ख़त्म हो गया। और बाकी जो है, हाँ 2 चीज़ें, एक मेरे को ये मिला बस, ये स्कीम वाला। काले चने लेने थे, वो इसमें लिखा हुआ था कि 1 किलो 60 रुपए के, मैंने कहा अरे वाह ये तो बहुत सही रेट है। तो मैं गई वहाँ तो आधा किलो 60 रुपए के, उससे भी ज़्यादा 80 रुपए के आधा किलो। और मैं कहा मैं नहीं लेती, मैंने नहीं लिए, मैं कहा इनके पापा से मुझे डांटना पड़ जाए कि इतने महंगे को उठा लें, तो मैंने लिया ही नहीं, छोड़ के आ गई मेरे को पता चल। चलो ये जो है ना, ये स्कीम के साथ था, इसमें रेट लिखा है इसका 400 ग्राम में ही 140 रुपए। ये पास्ता जो है, हाँ ये पास्ता ही है, मैं बहुत टाइम के बाद ही ले रही हूँ, वीट वाला है ये, 100% ड्यूरम, मतलब ड्यूरम मेरे ख्याल सूजी होती है, सूजी और वीट वाला सेमोलिना, ठीक है। तो इसका ये पास्ता है, 1 के साथ 3 फ्री, इसलिए लिया मैंने इसको। ये एक है ना इसके साथ, ये देखो ये दूसरा, ये हो गया दूसरा, ठीक है, ये हो गया तीसरा, एक के साथ 3 फ्री, ये तीसरा, और एक इसके साथ ये वाला आ गया, ये रंगे के साथ 3 फ्री। तो ये था, ये अच्छी स्कीम मिल गई। और दिखाती हूँ आपको मैं, और मैं क्या लाई, मैं तो अपना ही सामान दिखा रही हूँ अभी, तो फिर पापा का, और एक पापा का 2 जगह सामान पड़ा है। हाँ एक ये नमकीन लेकर आए हम लोग, ये बड़ा पैकेट था, खुल चुका है, देखिए इसकी रबड़ लगी हुई है। ये जो था ना, ये सही रेट पर मिला मुझे लग रहा है, कि कितना था इस पर MRP 205 रुपये लिखा है, और ये मुझे मिला 135 में, ये मुझे सही लगा तो मैंने ले लिया, जबकि ये हमारे उसमें नहीं था, लिस्ट में कुछ नहीं था। अगर आप खुद शॉपिंग करने जाओ ना, तो दुकान में बहुत सारी चीज़ें पसंद आ जाती हैं, तो इंसान ले ही लेता है, तो ये मैंने ले लिया था ये वाला। हेलो व्यूअर्स, एक ये लेकर आई हूँ मैं,
ये रोस्टेड वाली वर्मा से लिया है, एक आती है, दो तरह की आती है, एक बिना रोस्ट वाली आती है, एक रोस्टेड वाली आती है। तो रोस्टेड वाली ज़्यादा अच्छी होती है, जल्दी ख़राब नहीं होती क्योंकि ये पहले ही रोस्ट कर रखी है। और ये वर्मा से मैं इसलिए लाई हूँ क्योंकि साथी को बहुत पसंद है और बच्चा हमारे घर में मेरे सब खा ही लेते हैं। और ये जो है ना, ये 825 ग्राम 99 रुपीज़ लिखा हुआ है इसके ऊपर है, 99 की है। तो मुझे लग तो महंगी दी थी पर मैंने कहा चलो ले लेते हैं, घर में काम आने वाली चीज़ें ले लेते हैं। ये ले ली मैंने, इसमें कोई स्कीम नहीं थी। हाँ ना, कई चीज़ों में ऑफ था, एक के साथ एक फ्री, कई कई चीज़ों में। अब जैसे ये देखो, इसमें लिखा था buy 1 buy 2 get 1 free, ठीक है। और जब आपको पता है बिस्कुटों की तो मैं लालची हुई हूँ, इसलिए फिर मैंने बिस्कुटों के जहाँ बिस्कुट होते हैं वहाँ घुस जा गई और मैंने फिर ये वाले ले लिए। जैसे पेंटर मना करी बिस्कुट मतलब मैंने फिर भी ले लिए। ये रखा है, MRP है इस पर 75 रुपीज़, मिला 50 में और 300 ग्राम है रेट। और ये डाइजेस्टिव है बिस्कुट, ये वाले अच्छे बिस्कुट हैं ये वाले, और दो के साथ एक फ्री है इसलिए मैंने ले लिया, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा। और ये मेरे भाई फेवरेट बिस्कुट जो इसके पापा लेकर आते हैं, ठीक है। और ये है, ये कंपनी है अप्सरा डेलाइट, और ये सॉफ्ट वे, इसके पापा तो गुड़ वाले लेकर आते हैं, पर ये वाले जो है ना, ये है कौन से वाले, चीनी वाले होंगे और कौन से, ज़्यादातर तो देखा जाए चीनी वाले मिलते हैं। ये जो है ना, कितने में पड़े मैं आपको बताती हूँ। हाँ, ये देखा, MRP 99, बाय वन, इसको लिया क्यों है मैंने, इसलिए क्योंकि बाय वन गेट वन फ्री था। इसमें 3-4 वेराइटियाँ थी, जीरे वाले बिस्कुट हैं तो, और ये वाले हैं, ये जो मैं खाती हूँ ये वाले। और इसके हद मैंने बाय वन गेट वन फ्री था, तो इसके साथ मतलब कि 90 रुपये में ये पड़े ना, 90 में इसके पापा एक लेकर आते हैं, यहाँ पे 90 में 2 मिल रहे थे तो मैंने ले लिए। वो क्यों, क्या है, दूसरे लिए चॉकलेट वाले, वो खुल चुके हैं और ख़त्म होने वाले हैं वो, ठीक है। उसमें बस एक रोज़ रह गई, बाकी सारे गए 2-3 दिन पहले से खुल चुके हैं वो, ठीक है। और वो मैंने ही खोले, और कौन खोले। और ये वाले जो है ना, ये अलग टेस्ट है, ये भी अच्छा है, इसका टेस्ट अलग है। ये नारियल वाले लिए हैं शायद मैंने, 100 ग्राम की है ना, ये नारियल वाले। ये सामान तो मैं लेकर आई थी, मैंने आपको दिखाया, दिखाती हूँ वाला, 99 लिखा, 300 ग्राम, ये सब है ना। तो ये चलो, ये मैं लेकर आई थी, तो हो गया, मैंने अपनी शॉपिंग तो दिखा दी है। और एक चीज़ और दिखानी थी आपको, तो ये जो है ना, ये लेकर आई हूँ मैं कम्बो पैक। ये है कंपनी तो कोई न्यू सी, ये है फ्लोर क्लीनर है, ये डिवाइंस सैंडल फ्लेवर का, ठीक है। और लिखा रहा है इसमें 3 गुना ज़्यादा सफाई करता है, करने दो चलो। कंपनी तो कुछ न्यू सी है, वैसे तो हम लोग लाइजोल पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, पर ये जो ये लाई थी, एक के साथ एक फ्री थी, एक कम्बो पैक था। और इसका रेट है 289 MRP है, पता नहीं ये 250 या 245 कैसे मिला, एक के साथ एक फ्री मिल गया, क्योंकि लाइजोल लो या कोई और कंपनी अच्छी ब्रांडेड लो, उससे भी ज़्यादा महंगी थी। तो ये हमें लेना था सीढ़ियों की सफाई के लिए, इसलिए फिर उसमें जो है ना 3 शेयर करने हैं, तो इसलिए मैं फिर ये ले आई, ये वाली एक ये लेकर आई हूँ, और एक ये लेकर आई पोचा सीढ़ियों की सफाई के लिए। पहले पोचा आता था 10 रुपये का, ये है 40 रुपीज़ का, और इसमें भी 2-3 अलग अलग क्वालिटी हैं। 50 रुपीज़ का भी था मेरे ख्याल से, ये 40 वाला था, ठीक है। 2-3 इसमें अलग अलग क्वालिटियाँ थी, तो ये हमने 40 वाला लिया। इस पर देखो लगी भी हुई है, 40 रुपीज़ लिखा भी हुआ है, MRP 50 है ये देखो, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हम लेकर आए थे ये सीढ़ियों की सफाई के लिए। अब मैं इन दोनों चीज़ों को संभाल के रख देती हूँ।